इसको पढ़े जाए कहाँ? सरकारी में। तो सरकारी में पढ़े भेजिए। हाँ तो सरकारी ना, सब प्राइवेट में पढ़ते हैं, सरकारी ना। हम भी तो सरकारी में पढ़ के बने हैं। अमित के लायक ना उतना पूर्वक तेज ना ना है। तो तेज नहीं तो आखिरकार तो वहाँ पढ़ाने के लिए भेजिएगा ना, घर हूँ पढ़ाइएगा ना जी, ध्यान देने। तू सरकारी ने पढ़ा अपने बाल बच्चा सरकारी ने पढ़ेगा एकदम आना पढ़ेगा तो पढ़ावा ना। हम पढ़ ली सर, आज पढ़ने क्यों नहीं गया? पढ़ के आते हैं, पढ़ के आते हैं। तो 100 रुपया के देवा दिन कचरा वाला काम में, 100 रुपया कौन देवा है? हाँ। 100 रुपया खा ले, इसलिए दारू बनाते हैं आप लोग। हाँ तो दारू तो सब बनाते, सगरों मुसारे दारू बनते हैं, लोग यही बनते हैं। तो दारू में ज्यादा फायदा होता है? दारू में इतने फायदे होने भागे, कभी होने भागे फायदा होते है। हाँ आप बेजती वाला बात होगा है, वो देख लो तो 10 बोली बोल, वो देख लो तो 10 बोली बोल, कोई क्या अच्छा लगे दारू बनावे में? हाँ तो इज्जत के जिंदगी जीता हमने, कितना अच्छा शौक लगा इज्जत के जिंदगी जिये में। बात तो सही बोल रही है, मजबूरी में बना। पढ़ा लिखा ला हमने के बाल बच्चा ना पढ़ते लिखती लाल। यहाँ पर जो है ड्रोन से निरीक्षण करके शराब को पकड़ा गया है, और देखिए मुसहरी में है ये जो है, और यहाँ पर देखिए ये सब तसला उसला है, और ये लोग आप लोग पकड़ के ले जाया जा रहा है जी। देखिए देखिए ये सब जो है, और ड्रोन से देखिए ड्रोन लाया गया था यहाँ पर शराब को पकड़ने के लिए, और यहाँ पर लगभग जो है 15 से 20 से ज्यादा जो है वैन आई थी पुलिस की, और उसके बाद जो है यहाँ पर शराब को चेकिंग किया गया, शराब को देखा गया, और उसके बाद जो तसला उसला था बनाने वाला सब चीज लेकर के जाया जा रहा है यहाँ पर। जो देखिए कि किस तरीके से जो है ये माहौल है, और उसके बाद जो है यहाँ के जो लोग थे देखिए क्या स्थिति है। देखिए मजबूरी है, काम करने के लिए कोई काम ही नहीं मिलता था, क्या करो, दारू बनाते हैं। अच्छा यानी कि दारू आप लोग बनाते हैं? हाँ बनाते हैं ना। अच्छा इसीलिए पुलिस हमेशा आ जाती है? हाँ। देखिए आप लोग और कोई बोलना चाहेंगे? नौकरी देवेला सरकार के काम, हमने काम हो तो सरकार को नौकरी देने के लिए बोला जाए। तो आप बोलिए वहाँ पर, हम वहाँ का चीज, हम सरकार नौकरी देते दारू छोड़ देते आदमी बनावेला। आओ का ये भागे से बढ़िया ना है, कभी ओकर दुआरी कभी ओकर दुआरी कभी ओकर दुआरी, यानी कि हमेशा आप लोग को परेशान फार जावा थे, नौकरी देला ना कहीं आवा थी आकर के हमेशा फोर फार किया जाता। हाँ नुकसान, एक तो पूंजी पकड़ देवा ना थी आया के नुकसान कर देती, अभी मतलब पकड़ के लेकर चल जाती। तो आप लोग कहीं और काम नहीं देखते, जैसे कि कहीं जो काम जहाँ पर नौकरी मिलता है वहाँ पर जाते हैं काम करने के? तो 100 रुपया के देवा दिन कचरा वाला काम में, 100 रुपया कौन देवा है? हाँ। 100 रुपया खा ले, इसलिए दारू बनाते हैं आप लोग। हाँ तो दारू तो सब बनाते, सगरों मुसारे दारू बनते हैं, लोग यही बनते हैं। तो दारू में ज्यादा फायदा होता है? दारू में इतने फायदे होने भागे, कभी होने भागे फायदा होते है। हाँ आप बेजती वाला बात होगा है, वो देख लो तो 10 बोली बोल, वो देख लो तो 10 बोली बोल, कोई क्या अच्छा लगे दारू बनावे में? हाँ तो इज्जत के जिंदगी जीता हमने, कितना अच्छा शौक लगे इज्जत के जिंदगी जिये में। बात तो सही बोल रही है, मजबूरी में बना। पढ़ा लिखा ला हमने के बाल बच्चा ना पढ़ते लिखती लाल, नोट कीजिए इस बात को। हाँ आगे बोलिए, आगे बोलिए काचा, आगे बोलिए। अच्छा आपके कितने बच्चे हैं? 3 गो। 3 गो तो पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं? पढ़ते काजी आवा दिन फोर के चल जाती, और नौकरी देवा दिन 3000 के महीना, अब उन्हें 2800 देवे, कभी 1500 देवे। हाँ यानी कि वो कचरा वाला काम करा थी। तो यहाँ पर सरकारी स्कूल नहीं है जी? सरकारी स्कूल नहीं, इतने पढ़ाई हो कि पास हो जाए मैट्रिक, हमसे सरकारी ने पढ़ लिया तो कहा कितना पढ़ा दे सरकारी में? ना पढ़ला पढ़ला, पैसा देता ना आगे पढ़ते, खाल पैसे ना कहाँ पढ़ते। अच्छा तो यानी कि दारू जो आपसे फिर पैसा होगा? हाँ, तो पढ़ाई इतना दम दारू भट्टी चलते है, 100 दिन पर एक दिन बनाए लवा आदमी भूखे रहा तो रोज नौकरिया मिलते, काम ही मिलते है। लेकिन वो में परेशान किया जाता है जो काम ना मिला है। हाँ। अब मजबूरी ना दारू बनाए थून खाए थून आओ का, तो जब दारू बनाते हैं तब प्रशासन आकर के फोर फार करके। हाँ हाँ देखिए तो ये दारू चुवाती है, लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी है, कहीं काम करने जाते तो काम भी नहीं मिलता है, नहीं इनके पति को काम मिलता है, नहीं इनको काम मिलता है, और ये लोग करे तो क्या करे? 2800 देवा है, कभी 2600 देवा, 100 के रोज देवा है। कचरा चुने वाला काम मिलता ना? गाड़ी चलावा थी ठेला ठेला कचरा उठाने वाला। हाँ 2800 रुपया महीना मिलता है? हाँ यानी कि सुनिए कि 100 रुपया रोज भी नहीं मिलता है। हाँ ना गेल तो कट गया पैसा। आपका क्या नाम हुआ? अनीता। बहुत ही साहसी महिला है, देखिए ये बात बिल्कुल सच बोल रही है और डर नहीं रही है। जरा सोचिए कि इन लोगों के पास न जगह है न जमीन है न घर है, घर भी नहीं है, तो ये लोग कर क्या सकते हैं? जाए तो जाए कहाँ? न सरकार इन लोग के लिए नौकरी दे रही है, न सरकार इन लोग के लिए कुछ काम दे रहा है कि ये लोग कोई काम भी करे। इन लोगों के भी बच्चे हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं इन लोगों का, ये सब भी चाहता है कि पढ़े, ये लोग भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, तो ये लोग को काम मिलता नहीं है, तो काम नहीं मिलने के कारण मजबूरी में
ये महिला और ऐसे ऐसे अनेकों महिला बिहार में जो मुसहरी है वहां पर जाकर के दारू चुवाती है और दारू चुवाने का काम करते हैं। अब बताइए आप ही तो घर में चोरियों का लेवर वन कौन चोरी कर लेता है लेवर वन आपके घर में चोरी कर लेता है तो एक दिन मोबाइल से मोबाइल के चार्जर लेके रखा एक दिन 200 रुपया वो लेके चल गया कौन वो जो छापा मारे आता है वो लोग वो सिपाही जी ना ले आती है लेवर वन अच्छा वो जो उठाने आता है जो तसला हाँ, जो अभी तसला टांग करके लेके गया था हाँ, वही अच्छा वो लोग हाँ। तो देखिए तो ये चीजें है सरकार को इन लोगों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जब अभी चुनाव का समय आने वाला है लोग वोट मांगने आएंगे वोट भी मांगने आएंगे आप लोग से वोट ना दे दो ठेंगवा वोट के बाद मांगने आए करेंगे ना डेबिट वोट जब वोट मांगने आएंगे तो उस समय जो है लालच दिया जाता है ये लोग भी उस लालच में आकर के 500,000 रुपया में उस व्यक्ति को वोट दे देते हैं। अजी भाई जी तो को बच्चे ना पढ़े काबिल है ये आपको बच्चा है हाँ। पढ़ने नहीं भेजते इसको पढ़े जाए कहाँ सरकारी में तो सरकारी में पढ़े भेजिए तो सरकारी ना सब प्राइवेट में पढ़ते हैं सरकारी में हम भी तो सरकारी में पढ़ के बने हैं अमित के लायक ना उतना पूर्वक तेज ना ना है तो तेज नहीं तो आखिरकार तो वहाँ पढ़ाने के लिए भेजिएगा ना घर हूँ पढ़ाइएगा ना जी ध्यान देने तू सरकारी ने पढ़ अपने बाल बच्चे सरकारी ने पढ़ेगा एकदम आना पढ़ेगा तो पढ़ावा ना हम पढ़ ली सरकारी में पढ़ाई है सरकारी में भी पढ़ाई होने लगा है अब पढ़ने जाओ ठीक है ना यहाँ पर बच्चा मत खिलाओ और यहाँ पर माँ के साथ में दारू चुराने में साथ मत दो ये चीजें है आप लोग ना हमने कला में ठीक हमने के बाप मतारी दारू बना जाओ क्या पहले घर में दारू बनाए थे यहाँ कम से कम हमने के बाल बचा तो ना दारू बनावे कोई के दुआरी पर जाए भाग के पढ़ाएगी तब ना सरकार कमा देती तो ना भागे पड़ा है सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए पैसा थोड़े लगता है खाली सरकारी में पैसा देता है कोई बाप मतारी के शौक रहे कि हमरो लेकिन प्राइवेट में पढ़ता खल अच्छा हां हमने खाली सरकारी में पढ़ा प्राइवेट में ना पढ़ा सकली है ये बात तो लेकिन जितना में उतना ही में कोई कोशिश न करेंगे उसी से आगे कहूं ना तू कि नौकरी दे हूं हम सब सात आदमी ही लकान सात आदमी खाए भाई आप यही चीज देखिए कि हम कैसे कमाए वाला और साथ वो खाए वाला देखिए बहन बात सुनिए पहले आप ये प्रयास करो कि इस दलदल से कैसे बाहर निकले कैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाएं किस तरीके से पढ़ाएं अच्छे जिंदगी जिए अगर ये बच्चा पढ़ लेगा ये आपकी बच्चा पढ़ लेगा तो पढ़ने के बाद हो सकता है कि हमारे तरह बने अच्छा ऑफिसर बने तो आप लोग के कम से कम अभी जिंदगी नहीं अच्छा है तो बूढ़ा होने के बाद तो जिंदगी तो सही होगा ना आने वाला पीढ़ी तो कम से कम दारू ना चुहाएगा ना आने वाला तो चूहा मार के तो नहीं ना खाएगा इधर उधर मजदूरी तो नहीं करना पड़ेगा यही हो सके अफसर बन करके यही आएगा टोपी पहन करके तिरछा टोपी पहन करके अफसर बन करके पुलिस बन करके आएगा डीएम बनेगा एसडीएम बनेगा हो सकता है नेता भी बनेगा तो इसको पढ़ाइएगा तब ना लेकिन पढ़ने के लिए बेइज्जती कहाँ हो सर ना जाए पर पूछे तो आज आज पढ़ने क्या है भेजा आज ठीक है देना है जी आज पढ़ने क्यों नहीं गया ही पढ़ के आते है पढ़ के आते है इतना ही था ये चीजें है आज महीना कम ले वाकिन गरीब ने पैसा कम ले चले ठीक है बहुत अच्छी बात है तो ये लोग जो है ये कौन सा मुसहरी है नगमा मुसहरी है जानीपुर और नगमा के बीच में है तो ये मुसहरी है यहाँ पर जो है अभी प्रशासन के द्वारा उत्पाद विभाग के द्वारा यहाँ पर जो है दारू की चेकिंग किया गया ड्रोन से चेकिंग किया गया ऊपर ड्रोन से ना उड़ा के ड्रोन से चेकिंग किया गया और देखा गया कि दारू ये लोग जो है कहाँ पर ये लोग छुपा करके रखे हैं और उसके बाद जो है कुत्ता लेके नहीं लिया कुत्ता भी आया था कुत्ता से भी चेक किया गया हाँ जी आपका भी दारू पकड़ा गया हाँ ना दारू बना लिया ना बनाई थी दारू ये दारू नहीं बनाई थी तो चलिए तो ये चीजें है और उसके बाद जो है ये सभी लोग जो है इस तरीके से यहाँ पर रहते हैं दारू तो चुआने पर मजबूर है जैसा कि ये लोग कहे बाकी आपको क्या राय है ये अपने बच्चे को कैसे बढ़ाए इसके लिए सरकार को सोचने की जरूरत है और कैसे ये लोग को कैसे ये लोग रहेंगे ये भी सोचने की जरूरत है हालांकि सरकार की तरफ से योजना भी चलाई जा रही है कि ये लोग जो है घर दिया जाए इन लोगों को पक्का मकान दिया जाए इन लोगों के लिए सरकार तरह तरह की योजना भी चला रही है जैसे कि अभी ये जो सरकारी स्कूल से पढ़ के ये आ रहा है और ये जो है कब पहले आ गया पढ़ के तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होती है अब जो के पाठक हैं ये इतना कार्रवाई किए हैं कि सरकारी स्कूल में टीचर समय पर आ रहे हैं और ये भी निरीक्षण किया जा रहा है कि वो पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है तो बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ने की जाने की जरूरत है और वहाँ पर पढ़ाई अच्छी हो भी रही है और आपको ध्यान रखिए कि किसी तरीके से हम अपने बच्चे को ये सब जब दारू बंद है तो काहे चुआ रही है काहे इतना दिक्कत हो रहा है पूरा इंग्लिश पक रही था रोज तो इंग्लिश दारू पक जब बंद है तब तो नहीं चुआ काम कीजिए अच्छा काम कीजिए शुरू तो दर ये पक रही थी कहाँ ना पक रही थी चलिए तो बाकी ये मानेगी नहीं बोलने से बाकी आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं
आपको क्या कुछ कहना है? आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चित्रंजन कुशवाहा के साथ जानीपुर नगमा मुसहरी से। नमस्कार, जय हिंद।